नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अप मीलिंग और डाउन मीलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अप मीलिंग और डाउन मीलिंग को मीलिंग मशीन पर परफॉर्म किया जाता है और ये दोनों तरीके हैं जिसके आधार पर हम वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं। मीलिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसे मीलिंग मशीन पर परफॉर्म करते हैं एक रोटरी मीलिंग कटर की मदद से वर्क पीस के सर्फेस से मटीरियल को रिमूव करने के लिए। तो बात करते हैं अप मीलिंग और डाउन मीलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले अप मीलिंग का दूसरा नाम कन्वेंशनल मीलिंग है जबकि डाउन मीलिंग का दूसरा नाम क्लाइम मीलिंग है। अप मीलिंग के केस में अगर आप देखें कि जो फीड है वर्कपीस की जो फीड है वो लीनियर मोशन में होती है और मीलिंग कटर की जो रोटेशन है इस फीड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। जबकि डाउन मीलिंग के केस में जो मीलिंग कटर की जो रोटेशन है वो फीडिंग के वर्कपीस फीडिंग की डायरेक्शन में होती है। तो कह सकते हैं कि वर्कपीस की जो फीड है और जो मीलिंग कटर की रोटेशन है वो सेम ही डायरेक्शन में होती हैं, बट अप मीलिंग के केस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अप मीलिंग के केस में जो कटिंग चिप्स होती हैं उनको मीलिंग कटर अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये जो चिप्स बन रही हैं ये मीलिंग कटर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है और इसलिए इसको अप मीलिंग भी कहते हैं। और इसको जो डाउन मीलिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो मीलिंग कटर होता है वह जो मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस सरफेस से चिप्स की फॉर्म में उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है और इसलिए इसको डाउन मीलिंग कहते हैं। इस टाइप की मीलिंग में हम बात करें जो जॉब टूल मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे हमने भी डिस्कस किया था, और इसमें जॉब टूल की जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में रहती है। अप मीलिंग के केस में जो वर्क पीस की जो सरफेस फिनिश है वह डाउन मीलिंग के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए अप मीलिंग को रफ कटिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि डाउन मीलिंग के केस में जो सरफेस फिनिश है वो बेटर होती है अप मीलिंग से, क्योंकि बैकलेस एरर से यह फ्री होता है और इसलिए डाउन मीलिंग को फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद कि जो चिप थिकनेस की अगर हम बात करें अप मीलिंग के केस में, जो चिप थिकनेस है वह मिनिमम से मैक्सिमम होती है, मतलब कि जब स्टार्टिंग में इनिशियल कट लगता है उस समय पर अगर आप देखें तो मिनिमम चिप थिकनेस होती है। जब फीड बढ़ जाती है और साथ साथ में फीड के एंड पर पहुंचने पर जो चिप की जो थिकनेस है वो मैक्सिमम हो जाती है, जबकि डाउन मीलिंग इसका अपोजिट होता है। इस केस में जो चिप की थिकनेस है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है। अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें कि स्टार्टिंग में हमें मैक्सिमम कट मिलता है और जैसे जैसे हम एंड पर पहुँचते हैं तो हमें मिनिमम चिप थिकनेस मिलती है। और अप मीलिंग के दौरान जो हीट होती है वह वर्क पीस की तरफ डिफ्यूज होती है जिसके कारण वर्क पीस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बदलाव आ जाता है, जबकि डाउन मीलिंग के केस में जो हीट है वह चिप्स की तरफ डिफ्यूज़ होती है इसलिए वर्क पीस की प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव नहीं आता। अप मीलिंग में टूल वियर ज़्यादा होता है क्योंकि जो टूल है उसकी रोटेशन वर्क पीस की फीडिंग डायरेक्शन के अपोजिट होती है और टूल वियर ज़्यादा होने के कारण मीलिंग कटर की जो टूल लाइफ है वह भी कम होती है। लेकिन डाउन मीलिंग के केस में टूल वियर अप मीलिंग की तुलना में कम होता है क्योंकि मीलिंग कटर फीडिंग डायरेक्शन में ही रोटेट करता है, जो वर्कपीस की फीडिंग डायरेक्शन होती है उसी सेम डायरेक्शन में रोटर जो मीलिंग कटर वो रोटेट करता है। तो कम टूल वियर होने के कारण जो मीलिंग कटर होता है डाउन मीलिंग के केस में उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। उसके बाद अप मीलिंग में मीलिंग कटर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करता है वर्कपीस पर, जिससे वर्कपीस ऊपर उठ जाता है वर्क टेबल से, इसलिए हाई स्ट्रेंथ के फिक्सचर की ज़रूरत वर्कपीस को होल्ड करने के लिए पड़ती है अप मीलिंग के केस में, और जो एक्सपेंसिव भी होते हैं। जबकि डाउन मीलिंग में मीलिंग कटर के द्वारा वर्कपीस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है और यही कारण है कि नॉर्मल फिक्सचर से भी काम चल जाता है जो सस्ता होता है। अप मीलिंग वर्कपीस को कट करने का एक ट्रेडिशनल वे है, जबकि डाउन मीलिंग
नॉन ट्रेडिशनल वे है और वर्तमान समय में डाउन मिलिंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अप मिलिंग के मुकाबले। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अप मिलिंग में जो हीट है वह वर्क पीस में डिफ्यूज़ होती है, इसलिए अप मिलिंग के केस में हाई क्वालिटी कटिंग फ्लूड की ज़रूरत होती है और इसको प्रयोग करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। जबकि डाउन मिलिंग के केस में जो हीट है वह चिप्स में डिफ्यूज़ हो जाती है, इसके कारण एक सिंपल कटिंग फ्लूड की ज़रूरत पड़ती है और जिसे प्रयोग करना भी आसान रहता है। अप मिलिंग में ज़्यादा कटिंग फोर्स की ज़रूरत होती है डाउन मिलिंग के कंपैरिजन में, और जो फोर्सेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जबकि डाउन मिलिंग के केस में कम फोर्स की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि कम कटिंग फोर्स हमें चाहिए वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए डाउन मिलिंग के केस में, और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर वर्कपीस या मिलिंग कटर का जो मटेरियल है वो ब्रिटल है, मतलब अगर सिरामिक्स कह सकते हैं, तो हम अप मिलिंग को रिकमेंड करते हैं और ऐसी स्थिति में डाउन मिलिंग को रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर हम बात करें कि जो मिलिंग है उसकी जो एप्लीकेशंस है कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मिलिंग के द्वारा हम ड्रिल कर सकते हैं, स्लॉट कर सकते हैं, पॉकेट्स, शेप, वर्कपीस को शेप देने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।